जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। सावन प्रारंभ होने वाले हैं और सावन के प्रारंभ होने पर हमें किन बातों का विशेष ध्यान रखना है और कौन सी ऐसी विशेष चीज करनी है जिससे हमारे घर के अंदर हमेशा सुख आए, इन बातों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और ये चर्चा करने के लिए मैं कौन हूँ, मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। चूँकि आपकी सारथी हूँ इसीलिए आपके साथ जीवन का सार बताने चली आती हूँ। बात सावन की हो रही है। सावन एक ऐसा मौसम है जहाँ हर तरफ हरियाली ही हरियाली आ जाती है, जीवन में उत्साह आने लगता है। पर सावन मास में कुछ चीज़ों को खाना वर्जित बताया गया है, जैसे कि दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें सावन में ग्रहण नहीं करनी चाहिए। जिन लोगों का चंद्रमा खराब हो, जिन लोगों का चंद्रमा नीच का हो या अष्टम में बैठा हो, ऐसे लोगों को दूध, दही, छाछ, इनका सेवन सावन में बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, वरना आपको इसके और ज़्यादा नकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। जिन लोगों की कुंडली के अंदर मंगल अच्छा नहीं हो, ऐसे लोगों को सावन के अंदर मेथी, पालक, बथुआ ऐसी चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। वो लोग जिनको बार बार रोग सताते हों, जिन्हें बार बार दिक्कतें आती हों, जिन्हें बहुत ज़्यादा माइग्रेन की प्रॉब्लम रहती हो या जिनका सर बहुत ज़्यादा दुखता हो, जो लोग काम करके बहुत जल्दी थक जाते हों, जिनके अंदर आलस बहुत आता हो, ऐसे लोगों को सावन में पत्ता गोभी या गोभी का सेवन नहीं करना चाहिए। सावन के अंदर हम ये चीज़ें आपको क्यों खाने से मना करते हैं, इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न होता है और इसी वजह से हम आपको साइंस, आयुर्वेद और ज्योतिष तीनों को मिलाकर ये सारी चीज़ें बताते हैं। जिन लोगों को इस बारे में ज्ञान होगा वो समझ जाएंगे कि मैंने ऐसा इन लोगों के लिए क्यों बताया, और जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें मैं किसी दिन लाइव में इसके बारे में बहुत अच्छी से डिस्क्राइब करूंगी। आज मैं आपको कुछ और विशेष चीज़ें बताने आई हूँ। सावन में हमें नए वस्त्र भी नहीं पहन के खरीदने चाहिए। अगर किसी कारणवश आपको पहनना पड़ जाए या आपको खरीदना पड़ जाए तो आप पहले किसी कन्या को वो अपने स्पर्श करा दीजिए वस्त्र, उसके बाद ही आप उसे पहनिए। सावन के अंदर आप कभी भी डार्क कलर के कपड़े पहनकर भोलेनाथ का पूजन करने मत जाइए। सावन में स्त्रियां इस बात का विशेष ध्यान रखें कि वो अपनी जटाएं, अपने बाल खुले करके वो भोलेनाथ पर जल चढ़ाने नहीं जाएं, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि सोमवार को स्त्रियां अपना सिर धोती हैं और उसी खुले बालों में, टपकते हुए पानी के बालों में चली जाती हैं और जाके भोलेनाथ के ऊपर जल अर्पित करने लगती हैं। ये बहुत गलत होता है, इससे आपको उल्टा दोष लगेगा। भोलेनाथ का पूजन हमेशा सर ढककर, बालों को बांधकर तब करिए। भोलेनाथ के ऊपर गलती से भी आप, कि कोई कहे, कितना भी कहे, कोई कितना भी आपको तर्क वितर्क करे, आप किसी भी हालत में भोलेनाथ के ऊपर ना तो हल्दी चढ़ाएंगे, ना रोली चढ़ाएंगे और ना कच्चे चावल चढ़ाएंगे। ऐसा करने से आपको दोष ही लगेगा, आपकी पूजा व्यर्थ हो जाएगी, कहने वाला कहकर चला जाएगा, काम आपके बिगड़ेंगे, आपका भगवान से विश्वास उठ जाएगा और फिर आप ही कहेंगे कुछ होता तो है नहीं, बातें ही होती रहती हैं। इन गलतियों को ध्यान रखिएगा। सावन में मांस मदिरा का सेवन मत करिए। सावन के अंदर आपको कम से कम लहसुन प्याज का सेवन करना चाहिए, वैसे तो बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, लेकिन कोई मजबूरी आ जाए तो कम से कम सेवन करिए। रोज़मर्रा की ज़िंदगी से प्याज लहसुन हटा दीजिए। सावन में अगर आप भोलेनाथ को जल अर्पित करने का या दूध अर्पित करने का एक नियम कायम कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप अन्न ग्रहण करके ये कार्य मत करिए। अगर सावन में आप अपनी कोई भी एक वस्तु छोड़ सकते हैं जो आपको बहुत प्रिय है, तो ऐसा करने से आपकी मनवांछित इच्छाएं पूर्ण होती हैं और भोलेनाथ तो वैसे भी इस बात के लिए बहुत फेमस हैं कि वो अपने भक्तों की तुरंत सुन लिया करते हैं। वो तो एक बेलपत्र पर ही प्रसन्न होकर अपने भक्तों के साथ चल दिया करते हैं। तो जब आप त्याग करेंगे, समर्पण करेंगे, भक्ति दिखाएंगे, प्रेम दिखाएंगे, तो ज़रूर वो आपके साथ आपकी मनोवांछित इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए आएंगे ही आएंगे। अपने आशीर्वाद से आपके जीवन की सारी समस्याओं का अंत करेंगे ही करेंगे। भोलेनाथ का पूजन करते हैं तो साथ में माँ पार्वती जी का भी पूजन ज़रूर करिएगा।
भोलेनाथ का पूजन करते हैं तो नंदी जी का पूजन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप 5 बेलपत्र भोलेनाथ पर चढ़ाएंगे तो आप 1 बेलपत्र नंदी जी पर भी ज़रूर चढ़ाएंगे। चलिए जी, अब मैं आपको सावन में करने वाला एक ऐसा अचूक उपाय बताने जा रही हूँ जिसको करने मात्र से आपके 9 के 9 ग्रह ठीक हो जाएंगे। जब भी आप भोलेनाथ को दूध अर्पित करने जाएं, जल अर्पित करने जाएं, या आप किसी भी चीज़ से उनका अभिषेक करने जाएं, आप सबसे पहले अपने दोनों हाथों को कच्चे दूध से अच्छी से धो लीजिए और उसके बाद आप गंगा जल से या शुद्ध जल से अपने हाथों को साफ कर लीजिए और उसके बाद जाकर आप शिवलिंग के ऊपर अभिषेक करिए और फिर देखिए आपके 9 के 9 ग्रह कैसे ठीक हो जाते हैं और आपके जीवन में इसका कितना चमत्कार होने लगता है। ये छोटा सा उपाय है लेकिन बहुत चमत्कारी है, ज़रूर करिएगा सावन में। कोई बात हो, कोई इन्फॉर्मेशन हो जो आपको हमसे चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और अपनी जो भी इच्छा या जो भी बात है वो हमसे पूछ लीजिए। मैं फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेके। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने इस साथी के साथ यूँ जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊंगी, तब तक के लिए राधे कृष्ण। सारथी माँ त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में PhD माँ त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नब्ज के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन सवार चुकी माँ त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।